यो व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के, वेलकम बैक टू अनदर फ्री फायर गेम प्ले वीडियो। तो भाई आज हम ना सोलो मैच खेलने वाले हैं, तो सोलो वर्सेस सोलो, तुम्हें पता है बिकॉज मैं रैंक पुश कर रहा हूँ। रैंक पुश करना इतना मुश्किल है, मैंने सोचा नहीं था, बिकॉज जितना पुश करता हूँ उससे ज़्यादा तो माइनस हो जाता है भाई, मैं क्या ही बताऊँ। इसलिए सोलो में ही गेम खेलना पड़ रहा है, बिकॉज अगर स्क्वाड में गेम वेम खेलते हो तो दिक्कत आ जाती है, बिकॉज माइनस लग जाता है रिवाइवल पॉइंट्स की वजह से। जब तक ये रिवाइवल पॉइंट नहीं हटेंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता भाई ग्रैंड मास्टर का, ठीक है ना। तो भाई मैंने पीक का एक घर चुना हुआ है कि मैं यहीं पर ही कैंपिंग करूंगा, यहीं पर ही सब कुछ होएगा, यहीं पर ही हम लोग सब कुछ यहीं करेंगे। लेकिन 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 ये लोबी में जो आप लोगों ने देखा, ये बोट मैच है, यानी कि सारे बंदे बोट आए। मैंने सोचा नहीं था कि यार बोट मैच भी आएगा। मैं डायमंड 3 पर हूँ या फिर डायमंड 2 पे हूँ, मुझे नहीं पता, डायमंड 2 पे हूँ आई थिंक, डायमंड 3 पे आ चुका था, बट मैं फिर से डायमंड 3 पर आ गया, 2 पर आ गया, बिकॉज माइनस ही इतना लग जाता है, बार बार माइनस लगता है भाई। तो तुम लोग भी मेरे को कमेंट्स करके बताना क्या तुम लोगों का भी माइनस ऐसे ही लगता है, मतलब जितना प्लस लगता है उससे ज़्यादा ही क्या तुम्हारा माइनस भी लगता है, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्या ये मेरे साथ ही होता है या फिर सभी के साथ होता है। तो भाई यहाँ पर मैं आराम से गन वन लूट रहा था कि भाई मैंने देखा कि बंदे इधर उधर से फायरिंग वायरिंग जो है वो कर रहे हैं। एंडिंग में देखना कितना मज़ा आएगा, एंडिंग में तुम्हारा भाई ले लेगा मॉन्स्टर ट्रक, और मॉन्स्टर ट्रक से जो बंदों की भीड़ जारी होगी भाई, बोट जो है ना, बोट ना लाइन में जा रहे हैं, बंदे जो है बोट के वो लाइन बना के जा रहे हैं भाई, एक दूसरे के पीछे पीछे, एक मतलब जोन की तरफ भाग रहे थे दोनों के सारे एक साथ पीछे पीछे, और तुम्हारे भाई ने जो मॉन्स्टर ट्रक से पीछे से ठोका है ना सारे बंदों को, वो तुम देखते रहना। तो लेकिन अभी मेरी जो है लूट है वो कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैं फाइनली यहां पर अपनी लूट लाट को अच्छे से देख रहा था, बिकॉज यहां पर कोई बंदा मेरे को दिखाई नहीं दे रहा था अभी तक तो। एंड फाइनली मेरे को एक नूबड़ी दिखाई दी, उसको मैंने दूर से डैमेज देने की कोशिश की, बट वो भाग गई थी इसलिए मैंने डैमेज नहीं दिया। यहां पर मैं इसको थोड़ा बहुत डैमेज मैं दे देता हूं, लेकिन ये बंदी जो है इसको भाई हेड ही देना पड़ता है, ये जब ही मरती है। तुम्हें पता है सारे के सारे बोट ही आए हैं, तो भाई ये भी एक बोट ही थी, ठीक है ना, इसको मारना इतना आसान था, बहुत ही आसान था यार, ये बोट ही थी तो ऐसी ये तो मरी गई, क्या ही बताऊँ इसके बारे में। तो भाई मेरी लूट वूट अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, बिकॉज मेरे पास गन वन तो थी लेकिन वेस्ट वेस्ट ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए मैं सोच रहा था कि वेस्ट वेस्ट मैं ले लूँ, बिकॉज टोकन थे लेकिन शायद नहीं भी थे मेरे पास उस टाइम पे टोकन वोकन, वरना मैं टोकन वोकन से ले लेता, बिकॉज मैं पीक पे इस तरीके से इसलिए घूम रहा हूँ बिकॉज बंदे बोट वाला है। भाई तुम लोग मत घूमने लग जाना इस तरीके से, बिकॉज ये बोट मैच था। लेकिन फाइनली एक रियल बंदा मेरे ऊपर आया, मेरे को ये रियल ही लगा, और भाई जैसे ही ऊपर आया वो मेरे को देखते ही भाग गया। यहाँ पर देखो वो बंदा पता नहीं कहाँ भागा कहाँ नहीं भागा, मैंने पूरे पीक में उस बंदे को ढूंढ लिया बट वो ऐसी जगह पे भाग गया भाई, तुम्हें क्या ही बताऊँ वो बंदा कहाँ भागा, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, मतलब ना उड़नचू हो गया भाई वो बंदा, बिल्कुल ही उड़नचू, इधर नजर हटी उधर दुर्घटना घटी, ये सीन हुआ भाई यहाँ पे, बिल्कुल ही ना गायब हो गया। और फाइनली मेरे को एक बंदा दिखाई दिया था उस तरफ जहाँ पे मैं अभी जहाँ पे मैंने स्कोप किया था, वहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखाई दिया जो रियल था। या गाइज इस मैच में रियल बंदी भी आए थे, वो देखो रियल बंदा है, मैं चाहता था उसको शायद यहाँ पे फायरिंग वायरिंग करके थोड़ा बहुत डैमेज दे सकता था, लेकिन मैंने नहीं दिया, बिकॉज क्या पता ये मेरे को यहीं पर ही मार दे, अगर कुछ कह नहीं सकते, क्या पता मैं मर जाऊँ या फिर वो मर जाए, बिकॉज टॉप 25 में हम आ चुके हैं और टॉप 10 में मेरे को इस मैच में आना ही आना था। और भाई पीछे जो है जोन भी आ रहा था और मेरे को जोन से भी बचना था, और लेफ्ट राइट में मेरे रियल बंदे भी थे, मतलब इस मैच में बोट भी आए थे और रियल बंदे भी आए थे, तुम्हें बता दूं। तो भाई मैंने एंडिंग में यही गलती करी, मैंने सोचा वो बंदा बोट है, लेकिन मैं ना ऐसा सोच रहा था, मैं मतलब थोड़ा थोड़ा मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये जो बंदा है वो रियल नहीं है, वो मतलब बोट ही है, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा सा ना पता भी था कि ये शायद क्या पता ये रियल भी है, बिकॉज वो ग्लू वोल व्लू वोल सब लगा रहा था, बोट वोट ग्लू वोल नहीं लगाते हैं, लेकिन भाई ये मेरा पहला मैच था उसका, तो भाई क्या ही बताऊं मैं। यहाँ पर देखो ये बंदा इसी तरफ को आएगा, ये भी रियल बंदा था जो कि अभी साइड में गया है, ठीक है ना, मतलब एक दो तीन बंदे रियल थे भाई इस मैच में। यहाँ पर मैंने इसको काफ़ी डैमेज भी दिया, लेकिन भाई ये बंदा जो है ना, ये बंदा भाग ही गया, कैसे ना कैसे करके लौंडा भाग ही जाता है। और सामने भाई सामने टॉवर पर भी बंदे चढ़े हुए हैं, यानी कि उस टॉवर पर भी बंदा चढ़ा हुआ था, ग्लू वॉल उस टॉवर पर भी लगी हुई थी, और भाई यहाँ पे मॉन्स्टर ट्रक था, तो मैंने सोचा कि यार मॉन्स्टर ट्रक से ही जाते हैं, क्या पता कोई रियल बंदा आ जाए पीछे पीछे से मार दे, तो मैंने एक सोचा कि चलो मॉन्स्टर ट्रक लेते हैं और मॉन्स्टर ट्रक से ही आगे बढ़ते हैं। और भाई जैसे मैंने मॉन्स्टर ट्रक को लिया, यहाँ पर देखो मेरे सामने इतने सारे बोट इकट्ठे होकर के आ गए यहाँ भाई, यहाँ अभी देखना जैसे जोन पार होगा, जोन पार हो चुका है, एक बंदा आगे की तरफ भाग रहा है, ये देखो इसको मैं कैसे करके मार दूंगा, एक तो मैं ले गया, यहाँ पर मैंने एक बंदे को ले गया मॉन्स्टर ट्रक से ही, भाई वो रियल बंदा नहीं था वो बोट ही था।
और क्या पता इसमें से काफ़ी बंदे रियल भी हों, लेकिन भाई मेरे को तो बोट ही लगे, इसलिए मैंने तो मोन्स्टर ट्रक से ही इनको दे दिया। और यहाँ पर देखना इतने सारे बंदे, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इतने सारे बंदे लेफ्ट साइड में, पता नहीं क्या झुंड भाग रहा है भाई, इन लोगों का ना झुंड भाग रहा है, झुंड दोनों को मैंने मार दिया। और इन लोगों का तो पता नहीं क्या हो रहा है, झुंड भाग रहा है, मतलब भाई क्या मैच है ये, मतलब एक साथ बंदे सोलो में एक साथ बंदे एक साथ साथ भाग रहे हैं। और यहाँ पर देखो दोनों बंदे बच गए, वो भाई इनको किसी चीज़ का डर ही नहीं है, जोन आ रहा है, जोन से बच बच के भाग रहे हैं। यहाँ पर देखो ये बंदा मेरे फायरिंग कर रहा था, इसको भी मैंने मोन्स्टर से ठोक के इसको भी मैंने मार दिया कैसे ना कैसे करके। और भाई तुम बताओ यार ये क्या मैच है भाई, मतलब क्या हो रहा है ये, क्या मतलब देखो ओवर पर ही बंदे, एक बंदे को मारा, दो बंदे को मारा, तीन बंदे को मारा, मतलब भाई 10 किल हो चुके हैं मेरे, 10 किल लिटरली मेरे 10 किल हो चुके हैं भाई। अब ये मोन्स्टर ट्रक को मोड़ना यार यहाँ से थोड़ा मुश्किल सा लगा, इसलिए मैंने नीचे ही कूदा दिया। और नीचे भी एक बंदा था जिसको मैंने बस लेफ्ट वाले टायर से ठोका, इसको देखो लेफ्ट वाले टायर से ठोक दिया भाई, 350 का डैमेज आया और ये ख़त्म। तो भाई यहाँ पर देखो इतने सारे बंदे, भाई अभी 9 बंदे रह रहे हैं, यानी मेरे को मिला के 9 बंदे हैं, यानी 8 बंदे अभी ज़िंदा है। तो भाई यहाँ पर देखो और बंदे आगे की तरफ आएंगे, ये मेरे फायरिंग कर रहा है और मैंने इसको भी कुचल दिया, लेकिन ये बंदा बच जाता तो मैंने सोचा कि इसको इसी से मारते हैं भाई गोली वोली से, तो मैंने उसको भी मार दिया। और मैंने फिर से सोचा कि चलो मोन्स्टर ट्रक के अंदर बैठते हैं, बिकॉज मोन्स्टर ट्रक भी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुका है, मतलब इतना भी डैमेज नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत डैमेज हो ही चुका है। तो मैंने सोचा कि चलो आगे लेके चलते हैं, अब 6 बंदे रह रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 बंदे। यहाँ पर देखो वो 6 बंदे कहाँ पर है, मैं उन बंदों को ढूंढूंगा, मोन्स्टर ट्रक से ही ढूंढेंगे आखिर वो बंदे है कहाँ पर। और भाई ये लो, यहाँ पर जैसे मैं आगे की तरफ जा ही रहा होता हूँ कि मेरे को एक बंदा और दिख जाता है, मैं इसको भी ठोक देता हूँ, 430 का डैमेज आता है मोन्स्टर ट्रक से, एंड फाइनली उस बंदे को भी मार देता हूँ। एक बंदा और होता है, इसको भी मैं ठोक देता हूँ, 456 का डैमेज आता है, 14 किल मेरे हो जाते हैं। अब सिर्फ बचे हैं 4 बंदे, सिर्फ और सिर्फ 4 बंदे रहते हैं। इस बंदे को अभी जो एक बंदा और आएगा उस बंदे को भी मैं जान से मार दूंगा। यहाँ पर देखो इस बंदे को भी मैंने ठोक दिया, ये बंदा भी मर गया। अब मेरे 15 किल हो चुके हैं, लेकिन अब मेरे को रियल बंदा दिखना शुरू हो जाएंगे, यानी कि जो बंदे रियल है वो अच्छे से खेल रहे हैं वही बंदे मेरे को अब दिखेंगे। यहाँ पर देखो सामने जैसे मैं गाड़ी लेके जाता हूँ तो सामने एक बंदा जो है एक मतलब इन बोट के भाई करेट्स को लूट रहा होता है। यहाँ पर देखो ये बंदा पेड़ की वजह से बच जाता है, वरना इस बंदे को मैं ठोक देता। और इसका नाम है जानवी, अब मेरे को नहीं पता ये कौन है कौन नहीं भाई, लेकिन ये बहुत अच्छा खेली, बिकॉज मेरे को एंड में इसी बंदे ने ही मारा है, इसी बंदे ने मारा है। एंड जैसे ही मैं इसके सामने अगेन लेके जाने वाला था कि वो घर के अंदर भाग गई भाई, अब मेरे को नहीं पता भाग गया या भाग गई, तो मैं भाग गया बोलता हूँ, तो ये घर के अंदर ही भाग गया। तो अब मैंने सोचा कि भाई चलो घूम के क्या पता वो घर से बाहर भी निकल जाए, क्या पता बोट वोट हो, तो मैंने सोचा कि चलो यार लेकर के चलते हैं गाड़ी को उसके घर के बाहर, लेकिन इसने मेरे को बहुत गंदा वाला डैमेज दे दिया। यहाँ पर देखो जैसे मैं आगे की तरफ जाऊँगा और फिर से गाड़ी को मोड़ूंगा, ये मेरे को बहुत गंदा वाला डैमेज दे देगा। यहाँ पर देखो मेरी हेल्थ इस बंदे ने कितनी कर दी, एंड मैं फाइनली गाड़ी से उतर जाता हूँ ताकि भाई मेरे को और पड़े ना। और मैंने सोचा कि यार ये बोट वोट है, इसके कुछ हेड वेड कुछ लग गए होंगे, लेकिन मेरे को थोड़ा थोड़ा अंदर लग भी रहा था कि यार ये बोट नहीं है, ये रियल बंदा है, रियल बंदा है, रियल बंदा है। तो भाई मैं इसको लड़ने चला गया दुप्पड़ दू में, यानी कि मतलब खुले में इसको मैं मारने के लिए चला गया था। यहाँ पर देखो अभी ये बंदा आएगा और मैंने एक ग्लू वॉल यहाँ पे लगा लिया, उसने भी ग्लू वॉल लगा ली, ये लो भाई उस बंदे ने भी ग्लू वॉल को लगा लिया। मैं चाहता था नेड वेड भी फेंक सकता था, बट मेरे नेड वेड नहीं थे, तो भाई मैंने सोचा कि यार ये रियल बंदा नहीं है, ये बोट वोट ही है, वरना अब तक तो ये मेरे पे रश मार के मेरे को मार चुका होता। लेकिन भाई ये बंदा देखो लेफ्ट साइड से भी मेरे को क्या भाई लेफ्ट साइड से मार रहा, मैंने सोचा कि ये कोई और बंदा है, तो मैंने इसको AKM का डैमेज दे नहीं सकता, लेकिन इसने मेरे को क्या किया हेड मार दिया भाई Kar98 का। तो अब बताओ भाई, अब मैंने इसका जब नाम पढ़ा तो मेरे को पता चला कि यार ये रियल बंदा है, और 37 का प्लस लगा मेरा, Diamond 2 पे ही हूँ मैं, Diamond 3 पर आके फिर Diamond 2 पर आया हूँ भाई, मैं तुम्हें पता है। तो ये थी गाइस आज की हमारी वीडियो, ये गलतफहमी हो गई कि ये बोट है या फिर कुछ भी है, वरना भाई जीत जाते, ठीक है ना। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए विदा लेना चाहूँगा, जय हिंद, वंदे मातरम, एंड ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट गाइस।